ऐसे ही एक स्थान पर जो कि सरिस्का के इन घने जंगलों में स्थित है। इतना गहरा जंगल है, हरा भरा जंगल है चारों तरफ से। रूपारेल नदी की ये पुलिया है जिसपे मैं पहुंच चुका हूँ। राजा महाराजा और अंग्रेजों के समय में इसमें यहाँ शिकार किया करते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो पर। आज मैं स्थित हूँ सरिस्का टाइगर रिजर्व में। सरिस्का टाइगर रिजर्व एक ऐसा उद्यान है जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान भी हैं। हमने कई ऐसे वीडियो बनाए हैं जिनमें सरिस्का संबंधित जानकारियां हैं, परंतु आज हम एक नए स्थान के लिए आए हैं। दिखाना चाहूंगा सामने जो आपको एक बहुत सुंदर बिल्डिंग जो दिखाई दे रही है, यह है सरिस्का पैलेस। यूं तो यह सरिस्का पैलेस अपनी खूबसूरती और मनमोहक आकर्षण की वजह से सुर्खियों में रहता है, परंतु 1995 में करण अर्जुन मूवी जो हिट मूवी थी उसकी वजह से सुर्खियों में आया, क्योंकि ये ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली उस मूवी में दिखाई गई थी। ये जो रास्ता जा रहा है महाभारत कालीन जो पांडुपोल जी हनुमान जी का मंदिर है, जहां महाभारत कालीन एक घटना घटी थी वहां एक हनुमान जी का मंदिर है, उसकी तरफ जा रहा है की जो की सरिस्का के कोर जंगल में स्थित है, जिसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ ऐसे ही एक स्थान पर जो की सरिस्का के इन घने जंगलों में स्थित है। सामने जो ये सरिस्का पैलेस आपको दिखाई दे रहा है, इसी के पीछे एक नदी बहती है, रूपारेल नदी। रूपारेल नदी इसी सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में स्थित उदयनाथ जी की पहाड़ियों से निकलती है, और ये क्वेश्चन जीके में भी बार बार पूछा जाता है। उसी रूपारेल जो नदी है उसके पास में ही एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, और यहाँ के लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई है, और वहाँ एक अलग ही अनुभूति हमें देखने को मिलने वाली। हम वहाँ चलने वाले हैं और आपको वहाँ का जो परिदृश्य है, वहाँ की जो आकर्षण है और हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। ये सरिस्का टाइगर रिजर्व है और सरिस्का टाइगर रिजर्व में सफारी भी की जाती है। आप सरिस्का में किस प्रकार घूम सकते हैं, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखनी पड़ेगी, किस प्रकार से आपको टिकट लेना है, ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं उस स्थान की ओर। तब तक आप वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी पहुंच चुके हैं बांदीपुल के मुख्य गेट पर। इस गेट को पार करते हुए हम जाने वाले हैं अंदर। जो रास्ता है बड़ा सुनसान भी है और जंगल से भरा पूर्ण है। देख सकते हैं आप कितने श्रद्धालुओं का यहाँ जो भीड़ लगी हुई है। श्रद्धालु शनिवार और मंगलवार को तो यह श्रद्धालुओं की भीड़ लगी ही रहती है। यहाँ अनेक प्रकार के जो जंगली जानवर हैं उनका भी भय बना रहता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है बाघ विचरण क्षेत्र भी है, और यहाँ बंदर लंगूर यहाँ देखने को मिलते हैं। अभी हम चलने वाले हैं और आपको अंदर का जो रास्ता है उसके सारे सारे आपको ये पूरा जो जंगल है हम दिखाने वाले हैं। बांदीपुल हनुमान जी के मंदिर के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं, और आप देख सकते हैं कितना गहरा जंगल है, हरा भरा जंगल है, चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़ हैं और जंगली जानवर भी आप देख सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको यहां दिखाने वाला हूं कि इस स्थान पर आप अगर बाइक चलाने में सक्षम है और यहां बाइक लाके खड़ी कर सकते हैं तो यहां आपकी बाइक सुरक्षित रहेगी, और इसके बाद आप मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हैं। अभी हम चलने वाले हैं और आपको रूपारेल नदी दिखाने वाले हैं, उसके बाद आपको हम दर्शन करवाने वाले हैं बांदीपुल हनुमान जी। रूपारेल नदी की ये पुलिया है जिसपे मैं पहुंच चुका हूँ, और आपको यहाँ से रूपारेल जो नदी है वो दिखाता हूँ। ये जो नदी का रास्ता है ये उदयनाथ जी की पहाड़ियों से आ रही है, थानागाजी को पार करते हुए ये जो नदी है यहाँ तक पहुंचती है, और ये इस पे पुल है वो बनाया गया है, और यहाँ से ये जो नदी है कि अलवर और भरतपुर के लिए ये नदी यहाँ से जाती है, और नटनी के बारे में ये जो नदी है दो भागों में बट जाती है। ये दो भागों में क्यों बटी, इसके पीछे का क्या रहस्य था, क्या कारण रहे, उसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके और नटनी के बारा की नदी के बारे में अधिक जान सकते हैं। ये जो नदी है इसको पार करते हुए जो सरिस्का पैलेस अभी मैंने दिखाया था, उसी सरिस्का पैलेस के पीछे एक विशाल पुल भी बना हुआ है। वह जो पुल है करण अर्जुन मूवी जो कि मैंने बताई थी आपको कि एक सुपरहिट मूवी थी, उस
उसमें वहाँ का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जो हथियार है वो किस प्रकार से पकड़े जाते हैं और वहाँ मुंशी किस प्रकार से ठाकुर दुर्जन सिंह को बताता है। जो सीन है उसका जो वीडियो है देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए अब मैं समय व्यर्थ ना करते हुए सीधा आपको हनुमान जी के मंदिर में लेकर के चलता हूँ। बांदीपुर जी के मंदिर में हम पहुँचने वाले हैं और वहाँ आपको मैं हनुमान जी के दर्शन करवाने वाला हूँ। अब हम पहुंच चुके हैं बांदीपुर हनुमान जी के मंदिर में और दोस्तों आपको दिखाते हैं कि हनुमान जी के मंदिर में अभी पूजा अर्चना चल रही है और अभी आपको जो प्रतिमा है उसके दर्शन करवाने वाले हैं और यहां जो भजन कीर्तन चल रहे हैं वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। बांदीपुर हनुमान जी के दर्शन के बाद मैं आपको लेकर के आया हूँ अब थोड़ा सा बाहर की जगह की ओर, जहाँ पर ये जो जगह खाली आपको दिखाई दे रही है यहाँ लोग भंडारे का आयोजन करते हैं और यहाँ रसोई आदि बनाने का कार्य किया जाता है। पीछे आप देख सकते हैं कि जो नदी आ रही है रूपारेल नदी है जो कि बिल्कुल इसके सारे सारे विशाल वृक्ष भी लगे हुए हैं, खजूर के वृक्ष आप निहार रहे होंगे और ये रूपारेल नदी यहाँ इसी मंदिर के पास से बह करके निकलती है और इसी के किनारे पर ये मंदिर स्थित है। इसी जंगल में एक अद्भुत और रहस्यमय एक स्थान भी है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जहाँ जो पीछे जो विशाल जंगल है यहाँ जंगल में राजा महाराजाओं के समय और अंग्रेजों के समय एक शिकार ग्रह है का निर्माण किया गया था जिससे कि इस जंगल में वो शिकार का आनंद लेते थे। वो मैं जो रहस्यमय स्थान है वो बड़ा अद्भुत स्थान वहाँ बताते हैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। सामने जो आपको दिखाई भी दे रहा है वो अद्भुत स्थान मैं आपको वहाँ लेकर के चलने वाला हूँ। तब तक आप वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। गहरे और खतरनाक जंगल को पार करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं शिकार गाह पर जो कि शिकार केंद्र कहलाता था और यहाँ उस समय में राजा महाराजा और अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों के जो अधिकारी थे इस जो जंगल है इसमें यहाँ शिकार किया करते थे। आप निहार सकते हैं कितना गहरा जंगल है और कितनी गहरी खाई है और ये जो शिकार ग्रह है यहाँ ऊपर बैठ करके और शिकार पर नजर रखी जाती थी और यहाँ से शिकार किया जाता था। शिकार करने के लिए यहाँ पर उस समय भैंस का जो पाड़ा होता है उसका उपयोग किया जाता था। यहीं किसी स्थान पर उस पाड़े को बांध दिया जाता था और जैसे ही शेर या कोई खतरनाक जानवर आता था उसका शिकार किया जाता था। ये शिकार ग्रह है जिसमें सीढ़ियां बनी हुई है, छोटा सा कक्ष भी है, हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से गोल घूमती हुई ये सीढ़ियां हैं और जिनको आप देख सकते हैं, आपको पूरा शिकार ग्रह हम दिखाने वाले हैं। ऊपर पहुंच करके आपको जो सीन है जंगल का वो भी हम दिखाने वाले हैं। देखिए दोस्तों किस प्रकार से अद्भुत नजारा आप जंगल का देख सकते हैं यहाँ से, कितना सुंदर उस समय दृश्य हुआ करता होगा जब ये बहुत ही आलीशान ये शिकार ग्रह था उस समय। अभी हमने बांदीपुर हनुमान जी का ये बहुत ही पवित्र मंदिर आपको दिखाया है। बड़ा अद्भुत ये मंदिर है, बिल्कुल जंगलों के मध्य में स्थित है और आध्यात्मिक रूप से बड़ा अद्भुत ये मंदिर है और यहाँ जंगल के अंदर एक रहस्यमय स्थान जो कि शिकार ग्रह था वो भी हमने आपको दिखाया है और यहाँ जंगल में अनेक प्रकार के जानवर आप देख ही रहे हैं। साथ में यहाँ लंगूर और बंदर जो है यहाँ अधिकतम मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं और लोग इनके लिए अपने साथ में कुछ ना कुछ खाने पीने की वस्तुएं भी लाते हैं। आज सरिस्का के मध्य में स्थित यह जो बांदीपुर हनुमान जी का मंदिर है हमने आपको दिखाया, कैसा लगा कमेंट
कमेंट्स में जरूर बताना। साथ में ही आप वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अधिक से अधिक चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर करिए, क्योंकि हम सरिस्का से संबंधित अद्भुत जो जानकारियां हैं बड़े परिश्रम के साथ आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो यहां की जो अद्भुत और रहस्यमय स्थान है, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान है, उनकी अद्भुत जानकारियां, उनकी बहुत ही अनछुई जानकारियां आपके सभी रिश्तेदारों और परिचितों तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।